ईशान किशन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का शानदार आगाज किया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू करते हुए 8 शतक जड़ा। भारत की 7 विकेट से इस जीत में ईशान किशन का अहम योगदान रहा। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर क्लास भी लगाई। दरअसल आपको बता दें, ईशान किशन अपनी इस पारी को अपने कोच के पिता को समर्पित करते हैं। ईशान किशन ने बताया कि उनका कुछ दिन पहले ही निधन हुआ। मैच के बाद झारखंड के इस बल्लेबाज ने कहा कि मेरे कोच के पिता का निधन कुछ दिन पहले हुआ और ये पारी उनको ही समर्पित है। वहीं ईशान ने कहा कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, क्योंकि मेरे कोच ने कहा था कि तुम्हें मेरे पिता के लिए कम से कम 50 बनानी है, तो मैं अपना अवार्ड उन्हीं को समर्पित करता हूं। 32 गेंदों पर 56 रन बनाने वाले ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। वहीं ईशान किशन ने अपने पहले मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी की, उससे ये कहा जा सकता है कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। उनकी बल्लेबाजी में बड़े शॉट भी थे और जरूरत पड़ने पर वो स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे। IPL के पिछले सीजन में उन्होंने मुंबई इंडियंस को कई बार मुश्किल स्थिति से निकाला। रविवार को विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि 50 भी जड़ी। भारत का खाता भी नहीं खुला था कि उसे KL राहुल के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन ने कप्तान कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ईशान किशन का पहला रन चौके से आया। इस बल्लेबाज को देखकर कहीं से लगा ही नहीं कि वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं। ईशान ने मैदान के हर ओर शॉट लगाया है। खैर, इस युवा बल्लेबाज को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव जरूर रखें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।